और ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट है स्नोफॉल ढूंढने का। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ आवर ट्रिप। और आज अभी हम लोग श्रीनगर में हैं और पूरा पैकिंग हो चुकी है और चारों तरफ मिट्टी। उम्मीद थी कि बर्फ ही बर्फ होगी पर मिट्टी ही मिट्टी तो है। तो इससे हम लोगों के यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अभी पहलगाम के लिए और ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट है स्नोफॉल ढूंढने का। आज नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि कल फिर हम लोगों को दोपहर तक एयरपोर्ट भी पहुँचना होगा। प्रेडिक्शंस तो हैं पर प्रेडिक्शंस तो कल भी थी सोनामर्ग की, तो वहाँ तो नहीं मिली स्नोफॉल। तो देखते हैं, आज अगर किस्मत अच्छी रही तो मिलती है स्नोफॉल। ब्रॉड होता है, पीछे आप देखोगे वो पतला, वो लास्ट में आप उसको देखोगे जो उसका बेस एंड होता है वो हल्का सा येलोइश कलर होता है। वो ऐसा क्यों होता है? इसमें एक एलिमेंट होता है नेचुरल क्यूसिन और इसमें वाइटमिन B12 काफ़ी ज़्यादा होता है। फाकिन वो 250 है, बट अभी न्यू ईयर चल रहा है, अभी इसमें 50 rupees लेस है, अभी चल रहा है 200 rupees ग्राम। ये 2000 का है, ये 1000 rupees का, ये 400 का, ये 200। सर मुझे अभी हमने केसर लिया सैफ्रॉन अभी। और क्या क्या है यहाँ पर? क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी, ऑल ड्राई नट्स हैं। हाँ, ऑल ड्राई नट्स हैं, मतलब अंजीर वगैरह सब है, प्लस यहाँ पर सैफ्रॉन क्रीम भी है। इस टाइप से हमारे गार्लिक और अनियन के जो बल्ब या फिर जिसमें से रूट्स निकलते हैं वो जो पोर्शन होता है, इन अ सिमिलर वे सैफ्रॉन का भी होता है, जो स्टेम्स निकलती हैं ग्रीन कलर की एंड देन फिर उसके ऊपर फ्लावर ब्लूम होता है और पर्पल कलर का फ्लावर होता है, विच इज़ सबने देखा होगा बोरो प्लस के एड में होता है वो। टोल बूथ आया, उसमें जो रिटर्न जो टिकट है टोल बूथ का वो 135 का है, लेकिन वन साइड अगर आप लेते हो तो 90 rupees का है। हम लोगों ने अभी वन साइड ही लिया क्योंकि 24 hour वैलिडिटी होगी और अभी 11:30 बजा हुआ है, तो शायद ही हम लोग कल 11:30 के पहले ये वापस पार कर पाए। अभी टोल बूथ के बाद यहाँ पर फिर हम लोग जब एक ब्रिज था उसको पार करके आए तो 30 rupees का और एक टिकट दिया है कमेटी ब्रिज बहरा, 30 rupees का है ये। पूरी तरह एंजॉय करते हुए लोग ये रहे, पूरा एकदम देखिए एकदम कश्मीर को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। सपनों में, सपनों का कश्मीर, सिर्फ सपनों में ही देखने का सोचा है। जगह पर रोड्स जो है वो सारी गीली है, या तो कल रात की या तो आज सुबह की जो स्नो है वो शायद पिघली है, स्नो गिरी है। ठीक लग रहा है, अभी चांसेस बन रहे हैं। ये पूरी यहाँ पर एप्पल वैली है और दोनों तरफ यहाँ पर एप्पल के ही बाग हैं बहुत दूर दूर तक फैले हुए। अभी तो खैर ठंड है तो अभी सीज़न नहीं है एप्पल्स का, और जब एप्पल्स का सीज़न होता है तो पूरे में लाल लाल दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। सही है ना? हम लोग अभी एप्पल गार्डन में आ गए, और ऐसे तमाम गार्डन है यहाँ आस पास में। वहाँ पर स्नो भी है जो कि शायद सुबह ही पड़ी है, वाइट वाइट है उस तरफ। ड्रोन भेज के देखते हैं। Thank you.
यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स वगैरह फोटोग्राफी वगैरह कर लिया। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग सीधा पहलगाम चलते हैं, क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बेताब वैली या आरू वैली वगैरह कुछ कर पाएंगे, क्योंकि शाम हो जाएगी, अंधेरा हो सकता है। चलिए चलते हैं अभी फटाफट। हल्की फुल्की सी आई थी उड़ती हुई, देखते हैं कितनी मिलती है आगे। उम्मीद तो है, क्योंकि हम लोग को रात में भी रुकना है, कल की सुबह भी हम यहाँ पर ही हैं, तो रात में और सुबह में तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। पता नहीं क्यों ज़्यादातर शॉप्स अभी यहाँ बंद हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी ज़्यादातर बंद हैं, मे बी कोरोना की वजह से, या पता नहीं क्यों, या आज बंद रहता है पता नहीं। खा लिया है वहाँ पर, एक नई डिश ट्राई करी, यहाँ की बहुत फेमस है रिश्ता, मटन रिश्ता, बहुत भयंकर ही टेस्टी था भाई। भाई शहर में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत भयंकर, बहुत ही भयंकर ठंड है, स्नोफॉल अभी कभी भी हो सकता है, ऊपर एकदम यहीं से दिख रहा है कि स्नोफॉल हो रहा है पीक्स पर, पानी वानी सब जमा हुआ है।
फॉल स्टार्ट हो चुका है। हम लोग कोशिश लें कि जाते जाते ही सही, पर हमारा गुड बाय तो अच्छे से हो रहा है। हाँ। बूंदों की नहीं, स्नो की बारिश। आखिरकार स्नोफॉल। मजेदार स्नो। फील द स्नो। जितने की उम्मीद करके आए थे कि वो बोनस रहेगा स्नोफॉल हमारे लिए, वो बोनस बहुत ज़्यादा मिला हमें, और पूरा एकदम जो ट्रिप का कहते हैं ना कि एंड एकदम परफेक्ट, तो वो परफेक्ट ही हो गया है अभी। और जो कहते हैं ना कि वंडरलैंड, विंटर वंडरलैंड, विंटर वंडरलैंड, एग्जैक्टली दिस इज द विंटर वंडरलैंड यू हैव। कश्मीर का हमने सबसे सुंदर वाला रूप देख लिया अभी भी, लेकिन ये लग रहा है कि काश हमारे पास एक दिन और होता तो हम लोग इसी स्नो में जाके रुक जाते, रोड पे कहीं भी रुक जाते, पहुंच तो सकते हैं, पर चांसेस इस चीज के भी हैं कि शायद लेट भी हो सकते हैं। तो गाइस अपडेट ये है कि हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट ऑन टाइम, बट हमारे ऑन टाइम होने से जरूरी थी ना कि फ्लाइट भी ऑन टाइम हो। फ्लाइट हो गई है डिले, कल रात से यहाँ बहुत स्नोफॉल हुआ है क्या, तो जिसकी वजह से हमारी एक घंटे फ्लाइट डिले हो गई है। और अब हम एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ की सबसे बढ़िया ट्रैवल, सीरियसली, और हम ये हमारा सिक्स्थ डे है यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। ये हमारी इस अपनी ज़िंदगी की सबसे बढ़िया ट्रैवल का ये लास्ट सीन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट इस प्रॉमिस के साथ। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस ये है कि हम फिर आएंगे कश्मीर टू एक्सप्लोर ग्रीनरी, समर कश्मीर, समर कश्मीर। अब इस अमेजिंग जर्नी को करते हैं एंड, और अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, अच्छा नहीं लगा तो भी शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है जिसको शेयर कर रहे हैं उसको अच्छा लग जाए। हमारी मेहनत को प्लीज़ अप्रिशिएट करिए। चलो चलते हैं अभी, एंड करते हैं, दी एंड।